के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी के समर्थन में बयान देकर उन लोगों को सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 22 नवंबर को बुलाई गई, लेकिन उसमें बदलाव कर 23 नवंबर किया गया। अब ये बैठक कल यानी 24 नवंबर को होने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय संसद की मर्यादा को तार तार कर रही है। टीएमसी और कांग्रेस के लोग संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधियों के समर्थन में बयान देकर उनका सहयोग कर रही है। महामंत्री बेबी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव जी, हमारे प्रवक्ता माननीय अरविंद जी, राम सागर जी, अफजल शमशी जी, इससे मीडिया प्रभारी राकेश जी और सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबों को आमंत्रित कर रहा हूँ। कल 10:30 बजे से प्रदेश कार्य समिति होगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सेमी वर्चुअल रूप में होगी, जिसमें सभी जिला कार्यालयों में हमारा वर्चुअली जुड़ेंगे, कोई व्यक्तिगत नहीं जुड़ेगा, पर सभी जिला कार्यालय 45 जिले हैं भाजपा के दृष्टिकोण से, 4500 जिला कार्यालय प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल ढंग से जुड़ेंगे और पूरी प्रदेश कार्य समिति होगी। आप सब उसमें कल 10:30 बजे आमंत्रित हैं। आज की संसद की मर्यादा की सारी गरिमा को तार तार करने का कार्य कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कर रही है, चाहे वह स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। संसद में एक नियम होता है कि आप जब संसदीय समितियों में बैठते हैं और उनमें जो चर्चा होती है, जब तक वह पूरी रिपोर्ट संसद के पटल पर नहीं रखी जाए, तब तक उस रिपोर्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है सार्वजनिक रूप से। पहली बार हम लोगों ने कल देखा कि भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं श्री जयराम रमेश जी और मनीष तिवारी जी, बकायदा उन्होंने अपना डिसेंट नोट न केवल सार्वजनिक किया बल्कि उन्होंने मीडिया में बयान दिया। इस तरह की कार्यों की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। दरअसल कांग्रेस का शुरू से इतिहास रहा है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है कि किस तरह से वह राष्ट्र विरोधी शक्तियों का साथ दे। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 एक बहुत प्रमुख बिल था और यह श्री कृष्णा कमेटी जस्टिस श्री कृष्णा जी के कारण फिर सरकार ने लाया और सरकार ने खुद कहा कि इसको हम JCP में भेजेंगे, जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में। यह बिल 12 साल पहले एक फॉरेस्ट एक्ट आया था जिसके लिए एक जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बैठी थी, उसके बाद यह दूसरा बैठा। नहीं तो इस बीच में हमारे यहाँ JPCs हुए हैं पर यह जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट फॉरेस्ट एक्ट के बाद कभी नहीं हुआ था। और इसमें हम सबों ने तय किया और जो बात पर मीडिया में कल जयराम रमेश जी ने कहा है कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पर सरकार डाटा देख नहीं सकती है, यह एक पूरी साजिश है। अगर हम पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का कार्यकाल देखें तो कश्मीर के बाहर एक भी आतंकवादी घटना नहीं हो सकी है। घटना होने से पहले ही अपराधी पकड़ा गए हैं, जबकि कांग्रेस के शासन में घटना होने के बाद लकीर को पीटा जाता था। पर हम लगातार अभी देख रहे हैं कि जितने साजिशें भारत के प्रति रची जाती हैं उन सभी साजिशों का होने से पहले ही उद्बोधन हो जाता है। इसलिए यह जो उन्होंने एक इसमें क्लॉज 35 पर जो विरोध किया है कि भारत सरकार किसी का डेटा नहीं देखे, अगर कोई अपराधी है, कोई देश का दुश्मन है, कोई अगर कोई हत्या का आरोपी है, अगर किसी पर किसी ने कोई देश विरोधी कार्य किया है, कोई गलत कार्य कर रहा है और अगर सरकार का कोई तंत्र उसके बारे में जानकारी करना चाहे तो वह पहले चेयरमैन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को दे, फिर चेयरमैन मंजूर करेगा। जिस तरह की घटनाएं आतंकवाद की घटती हैं, अगर यह सब प्रोसेस को किया जाए तब तक तो आतंकवादी घटना घट चुकी होगी जितने देर में अप्रूवल मिलेगा। इसलिए जो माननीय सांसद मनीष तिवारी जी ने और जयराम रमेश जी ने कल बयान दिया है, एक तो संसदीय परंपरा के सरासर उल्लंघन है जो हम एक पूर्व केंद्रीय मंत्री से कभी उम्मीद नहीं करते हैं, दूसरा कांग्रेस की एक देशद्रोही साजिश है कि हम अपराधियों के बारे में सीधे नहीं।
लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।